प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर। ओके बच्चों, पीरियड शुरू हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस ईव आने वाला है, तो आपको, आप सबको अपने घर से कुछ चीज़ें लानी होगी खाने के लिए, पार्टी के लिए। मैं आपको बता दूंगी क्या क्या लाना है आप लोगों ने। तो आप अभी ब्रेक टाइम के बाद आप अपने लिए एक, मैं आपको एक विश लिस्ट दूंगी, उस पर आपको अपने गिफ्ट्स लिखना है जो आपको सेंटा से चाहिए। तो आप अपना गिफ्ट उस पर लिख लीजिएगा और फिर मुझे दीजिएगा, मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। यस टीचर, हम लिख कर दे देंगे आपको। गुड। तो अभी आप जाके अपना ब्रेक टाइम एंजॉय करें। तो दोस्तों, आपने सुना टीचर ने क्या कहा कि हमें अपने गिफ्ट लिखने होंगे। ये मम्मा पापा ने मुझे बर्थडे पर लास्ट टाइम एक कार लेकर दी थी, मिनी कार। तो अब मैं सोच रही हूँ इस बार मैं गिफ्ट क्या मांगूँ सेंटा से। आप बता आपको क्या चाहिए। मुझे तो एक डॉल हाउस चाहिए, क्योंकि मुझे बचपन से डॉल हाउस चाहिए था और मुझे मिला है, लेकिन मुझे बड़ा वाला चाहिए जो न्यू है। और एलेक्सा, आपको क्या चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार अपने लिए ढेर सारी आइसक्रीम मंगवाऊँ। ठीक है, मेरे पास तो एक ही हाथ है, बिकॉज मेरे एक्सीडेंट में मेरा हाथ टूट गया था, और ये मेरी जुड़वा बहन थी तो उसका भी हाथ टूट गया, क्योंकि वो भी मेरे साथ कार में बैठी हुई थी। तो मैं तो अपनी विश राइट हैंड से लिख सकती हूँ। तो मुझे चाहिए एक टेडी बियर। और आपको क्या चाहिए, मुझे जानना है ना कि आप सबको क्या चाहिए, फिर मैं जो है उस तरीके से मैं अपना भी गिफ्ट मांगूंगी। आपको क्या चाहिए। मुझे एक चाहिए, एक मुझे चाहिए चिप्स। चिप्स नहीं, चिप्स नहीं, नहीं नहीं नहीं, चिप्स नहीं। मुझे एक डॉल बेडरूम सेट चाहिए। और आप दोनों लास्ट बचे हो, तो आप बताओ आपको क्या चाहिए। मुझे तो चाहिए एक एक कैरेज, मतलब जिसमें मैं बैठ के घूम सकूँ, रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है वो। तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है खेलने से। मैं अपने ब्रदर को भी अपने साथ खिलाऊँगी। और मुझे चाहिए क्या सोचूँ, मुझे एक ब्रांड न्यू फ़ोन चाहिए, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। तो मम्मा पापा ने कहा मैं बर्थडे पे लेकर दूँगा, तो मुझे फ़ोन चाहिए। मेरी बर्थडे नेक्स्ट ईयर आएगी, तो इसलिए मुझे फ़ोन चाहिए। ठीक है, अब हम बस ब्रेक टाइम ओवर होने वाला है, तो हम बस अभी अपनी चेयर सेट कर लेते हैं, के बाद टीचर आने वाले तो हम अपनी लिस्ट, विश लिस्ट में अपने गिफ्ट्स लिख देंगे। ओके, तो बच्चों, मिस रोज़ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए न्यू टीचर, और मेरा नाम है मिस शर्ली। तो अभी मैं आपको अपनी विश लिस्ट दे रही हूँ, तो आप अपना गिफ्ट उस पर लिख सकते हैं। ठीक है मिस शर्ली, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू। तो आप सब मुझसे इंट्रोड्यूस करवा, आप लोगों का नाम क्या है। मेरा नाम है एरियल। मेरा नाम है चेल्सी। वो काफ़ी अच्छा नाम है। और मेरा नाम है स्किपर। मेरा नाम है स्टेसी, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स हैं। और मेरा नाम है रोजे। मेरा नाम है जेनी। मेरा नाम है लीसा। काफ़ी अच्छे नाम हैं। तो अब सब मैं आप सबको देने वाली हूँ आपकी विश लिस्ट, तो आप अपनी विश लिस्ट पे अपना गिफ्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं विश लिस्ट देना चाहती हूँ, एक एक करके लिखना। ओके, तो मैं देना चाहती हूँ एरियल को। एरियल, आप अपनी विश में कोई भी गिफ्ट अपना लिख सकते हैं। मुझे चाहिए एक न्यू चाहिए एक डॉल सेट। मैंने पहले कहा था मुझे एक बारबी रूम सेट चाहिए, तो मुझे एक डॉल सेट चाहिए।
मुझे चाहिए एक टेडी बियर। तो मैं लिख दूंगी बिकॉज मुझे स्पेलिंग आती है। मुझे चाहिए आइसक्रीम ढेर सारी। तो मुझे यकीन है कि सेंटा मेरा नाम नहीं भूलेंगे क्योंकि मुझे चाहिए एक आइसक्रीम। ओके और जेनी, मेरा नाम है जेनी और मुझे चाहिए एक कैरिज। सॉरी मोबाइल फ़ोन। हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं जो है कोई और चीज़ मांगूंगी, लेकिन फिर जो है मैंने कहा कि हम एक कैरिज ही ले लेते हैं जिसमें मैं बैठ के घूम सकूँ। तो मुझे चाहिए मोबाइल फ़ोन। मुझे चाहिए एक कैरिज क्योंकि मैं जेनी के साथ ही रहती हूँ उसके साइड पे, तो इसलिए वो मेरे चाचू की बेटी है, तो इसलिए मैं बस कैरिज मांगूंगी, फिर हम दोनों खेल सकेंगे। तो मेरे पास अब मैं अपने ये लिस्ट जो है सारी की सारी वो मैं इसमें पोस्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं एक पोस्ट करने आ रही हूँ, अगर वो चली जाए तो यस। नेक्स्ट वन, उम्मीद है बच्चों ने कुछ अच्छी चीज़ ही मांगी होगी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ हफ्ते की खाने पीने की चीज़ें मांगते हैं भूखड़ से, और कुछ बच्चे जो हैं स्टेशनरी मांगते हैं। एक मिनट, सबने अपनी विश लिस्ट लिखी है लेकिन मैंने तो कोई गिफ्ट ही नहीं मांगा सेंटा से। ओह नो, चलो कोई बात नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं लेती, बस मैं सेंटा को कहूँगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी विश लिस्ट पूरी कर दें। तो बच्चों अब आपका लीव टाइम हो चुका है, तो अब आप घर जा सकते हैं और कल की पार्टी के लिए आप रेडी करें, सब कोई चीज़ लेकर आ जाएं खाने के लिए। अपने मदर फादर से कुछ बनवा भी सकते हैं आप या कुछ बाय भी कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सब किड्स के गिफ्ट मेरे पास हैं, बस मुझे उनके स्कूल वाली क्रिसमस ट्री के नीचे सेट करने होंगे। तो सबसे पहले ये टेडी बियर था, उनको बस प्लेस कर दूंगा क्योंकि उनको पता है, सारे किड्स को पता है कि उन्होंने क्या क्या गिफ्ट बोले थे, तो हम बस उनको ऐसे गिफ्ट सारे फिट करके दे देंगे। तो जिस बच्चे ने जो गिफ्ट मांगी थी वो अपना गिफ्ट ले सकता है। और ये एक और हमारे पास है टीवी डॉल के लिए। और मिस शर्ली अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और अब हमारे बच्चों का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि सबने चीज़ें लेकर आनी थी। तो गुड मॉर्निंग मिस, मैं आ गई हूँ और मैं अपने साथ लाई हूँ पिज़्ज़ा, और हम भी आ गए हैं, हम अपनी सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं क्योंकि अभी बस पार्टी शुरू करेंगे हम। हाँ, केक भी आया है हमारे पास, ये देखते हैं, एंड हमारे पास है चिप्स, ये M&M, चॉकलेट जेली, और ये हमारे पास है, और मैं लेकर आई हूँ बहुत बड़ा जूस क्योंकि हमें सबको जूस पिलाना होगा, तो ये बहुत बड़ा है जो मैं उठा नहीं पाई थी। तो अभी हम पार्टी वगैरह करके सब चीज़ें खा के सब खाओ, और उसके बाद हम अपने गिफ्ट्स की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारी क्रिसमस ट्री बिल्कुल इधर है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे गिफ्ट हैं। ओके, तो अब सबसे पहले कैरिज किसने मांगा था, इसका कैरिज था, ये सेंटा ने मेरा कैरिज दे दिया, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा है, इस पे तो मैं अपनी सिस्टर को भी बिठा सकती हूँ, है ना, ये लेकिन मैं अभी आ नहीं सकती हूँ। और मुझे चाहिए, और मैंने मांगा था एक बहुत सारी आइसक्रीम क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम। और मम्मा ने आज मेरे बाल नहीं बांधे, मेरे बाल बांधना भूल गई मम्मा, इसलिए मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। और ये नहीं मेरे बाल। और अब मेरा था एक बारबी डॉल है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बारबी से खेलना। मुझे चाहिए था एक डॉल हाउस जो कि मुझे मिल चुका है। वाह, इतना अच्छा गाइस, ये देखिए, ये मतलब 2018 का मॉडल है, इतना प्यारा है, इसमें लिफ्ट भी है, किचन भी है और बाथरूम,
डाइनिंग रूम, बेडरूम भी है, यहाँ पे हम डॉल्स के क्लॉथ रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सेंटा, मैंने मांगा था एक फ़ोन जो कि बहुत अच्छा है। ये है आईफोन का फ़ोन है ना? हाँ, आईफोन का है, और ये है रोज़ गोल्ड कलर। रोज़ गोल्ड कलर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मिस रोज़ के नाम जैसा। और मैंने मांगा था एक बहुत बड़ा टेडी बियर जो कि मुझे मिल चुका है। ये अब तो मैं इसके साथ सो भी सकती हूँ। ये देखो गाइस, अब मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं मांगना भूल गई। ओह, एक लास्ट गिफ्ट है, ये कितना प्यारा है। एक है टीवी जिस पे ब्लैक पिंक चल रहे हैं, ये मेरी फेवरेट, और उस पे जेनी है। तो मुझे अपने गिफ्ट बहुत अच्छे लगे हैं। और गाइस, उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरा ब्रदर है आर्य, उसके फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि ये आप वीडियो बनाएं, क्योंकि उनकी सिस्टर को अच्छी लगती है, और इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो डॉल वाली। क्योंकि अब और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा, एंड आपको और कौन सी डॉल्स की वीडियो देखनी है। तो अब सबको तो अपने गिफ्ट मिल गए हैं और सबने अपनी चीज़ें भी खा ली हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी डॉल्स वीडियो सिर्फ दो या तीन हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अपनी डॉल वीडियो और भी लाऊंगी। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।